वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग ऐश वर्सेस मिस्टी का मुकाबला करवाने वाले हैं यूनाइट के अंदर। अब यार देखो, ऐश के तो बहुत सारे पोकेमॉन हैं यूनाइट में, लेकिन यार मिस्टी के सिर्फ यार दो ही पोकेमॉन हैं यूनाइट के अंदर, एक गैरेडोज और एक अज्यूमरिल। तो इसलिए हमने तीसरा यहाँ पे खुद ही उसको दे दिया है, जो कि है कैंटो का वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि ब्लास्टोइज। मतलब अगर मिस्टी को यार वैसे स्टार्टर चुनने का मौका मिलता तो डेफिनेटली वो स्क्वर्टल को ही चुनती, तो उस लॉजिक से हमने यार उसको स्क्वर्टल दे दिया तीसरा पोकेमॉन। तो यहाँ पे एक फेयर 3v3 की मैच होनी चाहिए, क्योंकि और मैं बता दूं यार ये यहाँ पे सेकंड मैच होने वाला है। इससे पहले वाले मैच में भाई मैंने गैरेडोज ही खेला था और लिटरली मेरा 1,20,000 का डैमेज था ऑलमोस्ट, बट अफसोस भाई वो मैच की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। तो हम लोग को यहाँ पे अब दूसरी बार ये चैलेंज वापस से करना पड़ रहा है। ठीक है, इस बार देखते हैं यार क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को सबसे गंदी चीज़ इसकी यही लगती है यार, मैजिक कार्प को इवॉल्व करो भाई पहले तो। यार जंगल करने की वजह से फिर भी चलो थोड़ा तो ईजी हो जाएगा, लेकिन यार डैमेज देखो ना कितना कम है यार। इससे ज़्यादा कम मुझे नहीं लगता किसी और पोकेमॉन का डैमेज है यूनाइट के अंदर मैजिक कार्प से ज़्यादा। इवॉल्व होने के बाद डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल बन जाता है, बट हाँ यार जब तक ये मैजिक कार्प है तब तक तो शायद ये लीस्ट डैमेज देने वाला पोकेमॉन है भाई। इसके मूव्स कुछ करते ही नहीं है भाई, ये देखो यार, मतलब इससे ज़्यादा तो यार वो जो फार्म रहता है जो वाइल्ड पोकेमॉन है वो डैमेज दे देते हैं भाई इससे ज़्यादा तो। चलो फाइनली हम लोग इवॉल्व हो चुके हैं और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ बाउंस। इस बार देखते हैं भाई पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है कि नहीं, होपफुली पिछली बार जैसा ही रहे भाई, देखते हैं। ओके, ऊपर यार लुकारियो के एचपी मेरे को बड़ी कम दिख रही है, अगर ये यहाँ आए तो इसको पकड़ूँ। आया ही नहीं यार वो तो भाई, नहीं यार अगर आता तो उसको वहीं पर मार सकता था, बट ठीक है चलो कोई नहीं भाई। मेरे को लग रहा है कि ऊपर हाँ एक ही पोकेमॉन है सिर्फ, तो हमारे पास बेस्ट मौका है, इसको यहीं पर निकालते हैं जल्दी से। मरेगा मरेगा, लेट्स गो। बहुत ही सही चांस है मेरे पास, गोल कर देता हूँ जल्दी से। मैंने स्टैक रखा है कि नहीं रखा यार इस पे? ओके नहीं रखा भाई, ठीक है कंफर्म हो ही गया। यार स्टैक होता तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता यार, मैं और ख़तरनाक डैमेज निकालता, बट मैंने रखा ही नहीं यार पता नहीं क्यों, तो रख लेना चाहिए था, बट जान दो भाई फिलहाल बिना स्टैक के अपना काम करते हैं। ठीक है, नीचे भी अभी तक तो बढ़िया सही चल रहा है, तो ठीक है भाई, मतलब स्टार्ट गेम अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा खराबी हुई नहीं है, दोनों साइड पर ही बढ़िया चल रहा है। बट हाँ ये वाला गोल हम लोग इनका ऑलमोस्ट तोड़ने वाले हैं, तो हम लोग ही लीड में, इतना तो कन्फर्म है। ये भी चुरा लिया मैंने, बढ़िया भाई। लुकारियो पे ख़त्म करते हैं यार, लुकारियो को डोमिनेट कर देते हैं यहाँ पे, हम दो लोग हैं लुकारियो अकेला है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अरे यार आ ही गया भाई उसका साथी भी, नहीं भाई अरे हमारा साथी भी आ गया भाई, मार सकते हैं क्या यहाँ पे, देखना होगा। ओके थोड़ी गड़बड़, मैं मरने वाला हूँ, मैं गया। ठीक है भाई अज्यूमर लेक को तो निपटा देना भाई इसको, नहीं यार भाग ही गया भाई निंजा। अरे मार दिया भाई, बढ़िया। ठीक है अब शायद से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि भाई गोल में तो थोड़ा रिस्की रहेगा, मैं भी जल्दी जाता हूँ मदद करने के लिए। ठीक है भाई देखते हैं, तब तक अज्यूमरल शायद से ज़िंदा ही है, बढ़िया है भाई अज्यूमरल बचा ही हुआ है अभी तक तो। यहाँ पे मैं ज़रा फार्म करता हूँ, अपनी अल्ट लेके आता हूँ। फाइनली मेरी यूनाइट आ चुकी है भाई, मैं खोलने वाला हूँ अपनी यूनाइट एक सही मौका देखने के बाद। अरे भाई निंजा को देखो यहाँ पे, सीधा भागने के लिए यूनाइट खोल रहा है भाई वो, लिटरली निंजा फुल ख़तरनाक वाले सीन में चल रहा है भाई। जल्दी आ जाओ टॉप पे, टॉप का ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है भाई, वो भी हमें लेना है जल्दी से यार। ठीक है आई गेस सही मौका है इसको ख़त्म करना चाहिए, गोल ही कर देता हूँ। चलो बाढ़ में जान दो यार, वो पीछे चला गया वैसे भी। ठीक है भाई बढ़िया, इसी के साथ पहला गोल तो हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया है। इस पर यूनाइट चलाता हूँ, रुको ये ले भाई ख़त्म। अरे ख़त्म नहीं भाई, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, मर जा। ठीक है हो गया फाइनली, अब जाके अपन करते हैं यहाँ पे यार मेल्ट फुल स्पीड से, लेट्स गो। गैरेडोज यार मानना पड़ेगा बढ़िया पोकेमॉन है, बस यार इसके मैजिक कार्प वाले स्टेज की वजह से इसको चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ पे पता नहीं हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ी कर दी यार, यहाँ से कैसे स्टील हो गया भाई सीरियसली। निंजा ने यार किया तो बढ़िया काम है भाई, बढ़िया स्टील था वो काफ़ी ज़्यादा। निंजा को हम लोग मार सकते हैं बट अब नहीं लग रहा भाई, छोड़ो अब भग गया वो, अब यहाँ मेल्टी कर लो वही बेटर है। ठीक है मेरी यूनाइट भी आ जाएगी फार्म लेने से। अरे 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 कहाँ लुकारियो। ठीक है ऑलमोस्ट मेल्ट हो ही गया है, बट अभी तक भी हम लोग ही लीड में चल रहे हैं, कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं, हमने ये भी टच होने नहीं दिया। चलो देखते हैं भाई अब क्या होता है। भाई वो लोग भी यार और गोल करने लग गए, इन्होंने एक गोल भी तोड़ दिया और यार उनके पास गोल बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई क्लोज बैटल चालू है, बट उन्होंने भी यार बहुत तगड़ा गोल मार दिया है भाई। नहीं यार थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई मेरे को लग रहा है ऐसा। ठीक है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उन्होंने अब ज़्यादा गोल मार दिया, तो इतना गोल इनके पास आया कैसे है भाई। यार एकदम से 40-40 के गोल कहाँ से ले आया यार ये लोग, सीरियसली हमसे आगे निकल गए, इतना गोल कहाँ से कलेक्ट कर लिया। ठीक है यहाँ पे मेरे पास यूनाइट चलाने का एक बढ़िया मौका रहेगा भाई, निंजा को मारो यार पहले, निंजा वरना स्टील कर लेता है भाई गंदे तरीके से। मेरी यूनाइट भी मेरे को चलानी है, मैं लास्ट हिट रखता हूँ यहाँ पे। भाई सीरियसली निंजा भाई, मैंने उसको मार दिया। ओके मैंने उसको एक्चुअली मारा है, बट भाई बहुत बेकार हालत हो गई है, क्योंकि उसने फिर से स्टील तो कर ही लिया यार, मतलब
मार दिया, बट वो बंदा स्टील करके ले गया भाई, बढ़िया स्टीलर है भाई, मानना पड़ेगा। क्या दोनों ख़त्म है? नहीं भाई, वो लोग खा जाएंगे शायद से। एक को तो मारना पड़ेगा, बढ़िया एक मार दिया, अगले वाले से मैं निकलूँगा भाई, ख़त्म। चलो कोई नहीं, अभी तक भी काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हाँ यार गोल में ये लोग आगे निकल गए हैं। अब लेट्स गो भाई, वापस से जल्दी से टॉप पे आ चुका है रजी, लेकिन इस बार यार स्टील नहीं होने देना। पिछली बार मतलब बहुत ऑब्वियस से स्टील कर दिया यार, पता नहीं हमने सोचा था कि रुकते नहीं है, लेते रहते हैं भाई, शायद से स्टील कोई नहीं कर पाएगा, बट हमने इतना भी यार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निंजा ले जाएगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं भाई, वापस से फार्म करने में रह गया यार, मेरे को लगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतने में निंजा लेके भी चला गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अटैकर होने का यार यही एक फ़ायदा है, जल्दी मेल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पुश तो हम नहीं होने देंगे यार इतनी आसानी से, ठीक है ना, पुश तो नहीं होने देंगे। ख़त्म, तीनों ख़त्म भाई, बढ़िया। हम लोग येलो स्ट्रगलिंग पे कैसे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई, इतना भी पीछे कैसे रह गए यार हम लोग गोल में। यानी कि मैक्स टू मैक्स 50 का डिफरेंस रहेगा मेरे को लगता है, येलो स्ट्रगलिंग इससे बड़ी तो नहीं होगी। ठीक है, हम लोग को मतलब एक गोल तो मारना पड़ेगा बड़ा सा, तब जाके बराबरी होगी, जो कि यार डेफिनेटली करनी पड़ेगी। ओके भाई, नीचे आ चुका है यार जल्दी से, ऑब्जेक्टिव आ चुका है हम लोग को, यार ये लेना होगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इनका कौन आने वाला है। ठीक है, निंजा ही आएगा ये तो, हाँ भाई निंजा ही है। अगर हमने निंजा को यहाँ पे मार दिया भाई, इनकी टीम पूरी बिगड़ जाएगी सीरियसली, फिर दो ही बंदे बचेंगे, तो हम लोग को निंजा को यहीं पे कैसे करके टारगेट कर देना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा। आ जाओ भाई आ जाओ, अरे यार ये लोग पीछे ही हट गए भाई गोल में। नहीं भाई गड़बड़ हो गई यार, एक तो अब ये लीड में है, तो मेरे को लगता भी नहीं है कि इनको सेंटर अभी लेना होगा, ये लोग तो बैठ के देखेंगे भाई आराम से। हम लोग भी चलो थोड़ा वेट करके देखते ही हैं, पहले यार यही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि हम लोग फाइट में घुसेंगे पहले, तो देखते हैं भाई। अरे यार ये लोग तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा निकलने वाले हैं भाई, ये तो कहीं अपने बेस वगैरह में या कहीं तो छुप के बैठे हैं, गोल करने तो नहीं जा रहे यार, एक तो कहीं हमारे यहाँ पर वो भी आइडिया नहीं है। आई गेस शायद से हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा भाई, हम लोग ही पीछे हैं और बस 1.5 मिनट बची हुई है, तो बस टाइम जाए जा रहा है, हम लोग को कुछ तो एक्शन लेना ही होगा शायद से। यार हमें रिस्क लेके 50-50 अब करना पड़ेगा, तभी ये लोग निकलेंगे। निकल गया भाई, रुको 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 रुको, ठीक है यहाँ पे भी लास्ट हिट का ध्यान रखना होगा यार। एक तो भाई मैं अपनी यूनाइट से लेने का ट्राई करता हूँ, यार मैंने कितना प्रॉपर उड़ाया था भाई, लेकिन नसीब ही ख़राब है। एक बंदा मैं हमेशा कहा जाता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है यार, बार बार एंड में हो तो गड़बड़ी रही है भाई। इसी के साथ यार येलो स्ट्रगलिंग तो है, एक गोल मारता हूँ। ठीक है, एक बंदा उनका मरा है और एक ने वहाँ पे डाल दिया है गोल, और वो लोग ऑलरेडी क्योंकि लीड में थे, तो डेफिनेटली वो लोग अभी भी लीड में ही हैं, इसका मतलब तो हमारा चांस अब बनने नहीं वाला। अरे भाई एक और गोल हो गया हमारे साइड से यार, लेकिन उनके साइड से भी हो गया भाई, एक गोल उनके साइड से अगर रुक जाता, ये तो विदाउट शील्ड वाला गोल था भाई ऊपर से यार, अगर ये गोल रुक जाता तो बहुत बड़ा चांस होने वाला था यहाँ पे यार क्लोज बैटल का। नहीं भाई यार, एक डिफेंड हो जाना चाहिए था बस, ये वाला गोल डिफेंड हो जाना चाहिए था, हमारा बहुत बड़ा वाला चांस था सीरियसली। ठीक है, अब लास्ट में भी वैसे तो हार ही गए, एक लास्ट गोल करके ट्राई कर लेते हैं अगर हो गया तो। रुक जा रुक जा रुक जा लुका, ये ले लुका को तो मारना है भाई, मर जा लुका। अरे भाई बेस में ही चला गया यार, नहीं भाई बहुत गंदा हुआ है सीरियसली, ये मर जा। चलो एक बंदा खा गए भाई, अब तो गोल नहीं हो पाएंगे यार, ये तो बहुत गंदा ही सीन हो गया सीरियसली। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी हाँ मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।